नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। मित्रों, मुझे कुछ फ़ोन आए थे, कुछ लोगों का कहना ये था कि सर जो है कल आर्ट का पेपर है, तो आर्ट का पेपर हालांकि टिपिकल नहीं होता है, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आर्ट के पेपर में पूछे जाते हैं, क्या बनाना है, क्या बनाने के लिए आएगा, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप विस्तृत रूप से बता सकते हैं तो बड़ा हेल्पफुल होता। तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई देखिए, प्रयास मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, बस 2 मिनट 3 मिनट देख करके ही आप छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में आप अपना व्यक्तिगत नुकसान कर रहे हैं। देखिए, हिंदी का पेपर मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि हिंदी का पेपर किस प्रकार से आया, जितना भी मैंने बताया था उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से आया हो, सारे के सारे क्वेश्चन टकराए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैंने इंग्लिश के 2 पार्ट बनाए हैं इंग्लिश ग्रामर को लेके, उसमें भी हिंदी वाला हाल ही होना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी बाहर से आ जाए, सारे क्वेश्चन जो है उसी अंदर से ही आने हैं। इसलिए आप लोग उसको भी बढ़िया से देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान के मैंने 2 भाग बनाए हुए हैं, सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने 2 वीडियोज बनाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कला की, कला में क्या आता है। कला का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में बटा होगा, पार्ट A और पार्ट B, यानी भाग 1 और भाग 2 के रूप में बटा हुआ होगा। इसमें करना आपको यह है कि एक जो भाग 1 होगा, भाग 1 में अथवा करके 2-3 तरह से देगा, एक में देता है प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए, उसे आपको बना लेना है, उसको कलर्ड भी करना रहता है। साथ ही साथ भाग 2 में भी जो पूछा जाता है उसमें यह है कि भाग 2 में मान लीजिए आपको जग बनाने के लिए दे दिया, आम का फल बनाने के लिए दे दिया, सेब बनाने के लिए दे दिया, गाजर या मूली बनाने के लिए दे दिया, है ना, या चमगादड़ या किसी अन्य जंतुओं का नाम दे दिया कि इसको आप बनाइए और उसको पेंसिल से शेड करिए। उसमें वो एक पैमाना भी दे देते हैं कि इतने सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होगा, इतना लंबाई होगा, इसकी इतनी हाइट होगी, है ना, उस हिसाब से उसको जो है बनाना रहेगा। जैसी जितना वो कहेगा स्केल से आप लोग पैरामीटर बना लीजिएगा कि इतना इतना है, उसको आप नाप लीजिएगा और उसी नाप के हिसाब से उसको बनाइएगा। ऐसे में आपका आर्ट का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। मैं आपसे ये कहूँगा 3 घंटा 15 मिनट का वक्त होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो 3 घंटा 15 मिनट का वक्त आपके पास रहेगा। इन 3 घंटा 15 मिनट में आप बहुत बढ़िया पिक्चर क्रिएट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान सा होता है, उसमें कहीं कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 2 बार 3 बार 4 बार जो भी है आप रिहर्सल कर लें घर पे आज ही, और रिहर्सल करने के बाद इसको आप जो है एग्ज़ाम में जैसे आप घर पे बढ़िया बनाए हैं फिगर, वैसे ही आप वहाँ भी बनाइए। 70 में 70 ना सही, लेकिन 70 में 60-65 आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, और ये बहुत आसान भी है। इसलिए आर्ट के पेपर को आप एकदम ईजी वे में लें, इसमें किसी तरह के क्वेश्चन आंसर के चक्कर में आप मत पड़िए। कुछ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, हो सकता है आपसे वो गलती भी हो जाए, लेकिन जब आप पिक्चर बनाएंगे तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एक प्राकृतिक दृश्य का चित्र बना देना है, और एक मैंने ये जो आपको फल या सब्जी या जो है क्या नाम है, जग हुआ या चमगादड़ हुआ, गाय हुआ, या इन सब तरह का जो भी फिगर आपसे कहेगा बनाने के लिए, उसको आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करिएगा। इसमें कहीं कोई कमी ना रखिएगा, जैसे जैसे वो कहेगा, जिस जो उसका पैरामीटर है उसी हिसाब से आप बनाइएगा। अगर उसके पैरामीटर से अलग भी आप बनाएंगे, अगर परिमाप से आप उसका अलग भी बनाएंगे तो उससे आपका नुकसान होगा, इसलिए आप उसको बेहतर, अगर थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर होता है तो कोई उसको मापता नहीं है, इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि वहाँ कोई नाप करके उस कॉपी को चेक किया जाता है। उसमें बस इतना देखा जाता है कि उसका जो पैमाना रखा गया था, जो उसकी चौड़ाई है लंबाई है, वो बहुत ज़्यादा ना हो सके। इसके साथ साथ जब आप कलर उसको करते हैं या पेंसिल से उसको शेड करते हैं तो उसमें भी कहीं कोई कमी ना दिखे, उसको आप इतना क्लियरिटी में रखिएगा कि सामने वाला देखते ही वो अप्रिसिएट हो जाए, और जब वो अप्रिसिएट हो जाएगा तो उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, पूरा फुली एकदम फ्रेश माइंड में जाइए, सब कुछ जो है पेन पेंसिल इरेजर रबर कटर ये सब आप अपने साथ रखिएगा, और जो है क्या नाम है रंगने के लिए आप जो है जल जो क्या नाम है पेंट वगैरह होते हैं उसको आप बढ़िया से रख लीजिएगा, और जाइए फिगर बनाइए और अच्छे से अच्छा मार्क गेन करिए। मेरी आप सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं।
इसके साथ साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई देखिए, आप लोग दो दो तीन तीन मिनट अगर आप वीडियो देखेंगे तो इससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप थंबनेल देख के मान लीजिए आपने इंटर कर दिया कि हम भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को मान लीजिए देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा एक दो मिनट का वीडियो देखने से। जब तक आप चीज़ों को पूरी तरह से नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ें आपकी समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदी का पेपर मिसाल है इस चीज़ का कि हिंदी में जितना भी कहा गया था, जितना बताया गया था, उतने ही क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आए। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए, जितना भी मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप एग्जाम दीजिए। मेरा लगभग करीब 2012 में मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया था, 2012 से लेकर के आज तक यानी 10 साल तक का अनुभव है। एक साल तो मैंने खुद पेपर दिया, इसके साथ साथ मैंने इधर 9 साल के पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, मैंने देखा है कि क्या क्या क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करिए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बढ़िया से जाइए चित्र को बनाइए, जैसे भी देगा जो क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मत पड़िएगा, भाग एक में प्राकृतिक दृश्य टाइप में आएगा और भाग दो में यही जो मैंने बताया आम का, जग का, है ना, चमगादड़ का, गाय का, इन सब तरह चीज़ों का, गाजर मूली, यही सब आता है बनाने के लिए, कहीं कुछ भी अलग से ऐसा नहीं आता है जिससे आपको कोई परेशानी हो। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है आज रात में एक घंटा दो घंटा जग करके उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो उसको दूर कर लीजिए आज ही, इससे पेपर में बैठने पर ये ना हो कि अरे हमारा फिगर नहीं बन पा रहा है, हम फिगर नहीं बना पा रहे, हमारा अच्छा नहीं बनता है। आप कर सकते हैं, उसको आप ट्राई करिए, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, सैकड़ों बार आप ट्राई करिए, एक समय ऐसा आएगा जब आप एक अच्छा फिगर बना सकेंगे। और जब आप एक अच्छा फिगर बना सकेंगे तो फिगर में दिखाना क्या है, फिगर में बस सामने वाले को ये अप्रिसिएट कराना है, अपने आप का परिचय देना है कि भाई देखो मैंने एक अच्छा फिगर बनाया है ना। इसलिए आप लोग बढ़िया से बढ़िया फिगर बनाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और पुनः मैं यही कहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये जो ऑथेंटिक जानकारी आपके पास है वो सभी लोगों तक पहुँच सके, जिससे सभी लोगों का भला हो। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट सभी सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आऊँगा। और पुनः मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग यूपी बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा मार्क गेन करें सभी सब्जेक्ट्स में। कल मैं साइंस को लेकर के वीडियोस बनाऊंगा, तीन भाग में वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मैं अलग अलग वीडियोस में कवर कराऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि जितना भी मैं बताऊँगा उतने ही चीज़ें आएंगी, क्योंकि लगभग लगभग चीज़ें वही सेम रहती हैं। वीडियो कंटेंट जो आपको मिलेगा वो सब वही क्वेश्चन पेपर, वही किताबें हैं, वही सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई गई हैं, वही सारी चीज़ें ही आनी हैं, उसी में से आनी है, है ना। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा और बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच साइंस का वीडियो यानी कल ही मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।